आज कुंदरू पोस्त बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम कुंदरू है, लंबाई में इसे 4 टुकड़ा कर लिया। एक बड़े प्याज को भी लंबाई में काट लिया। 3 टेबल स्पून पॉपी सीड को मैंने भिंगो के रखा था, उसके बाद एक मिर्च के साथ इसका पेस्ट बना के रखी हूँ। कोई भी खसखस का डिश में खसखस आप कम ज्यादा डाल सकते हो, ज्यादा डालने से अच्छा ही लगता है, कम भी डाल सकते हो, क्योंकि सच कहूँ तो आजकल पॉपी सीड बहुत ज्यादा महंगा है। कढ़ाई गर्म हो गया, तेल डाल दिया कढ़ाई में, सरसों का तेल ही डाला मैं यहाँ। एक चम्मच कालूंजी डाल दिया। पहले प्याज को डाल देती हूँ, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सौते कर लेना है। ये प्याज के मॉइस्चर में कुंदरू कुक होगा, पानी नहीं डालनी है इसमें। मैं प्याज को हल्का सा सौते कर लेती हूँ। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। आप अगर बिल्कुल व्हाइट खसखस का डिश बनाना चाहते हो तो हल्दी को अवॉइड कर सकते हो। मिक्स कर लेती हूँ। कुंदरू को भी डाल दिया, मिक्स कर लिया। कढ़ाई को कवर कर देती हूँ और इसे अपने मॉइस्चर में कुक होने देती हूँ। 3-4 मिनट हो गया, एक बार लीड खोल के देखती हूँ। सब्जी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, कुंदरू कुक भी हो गया। स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। 1/4 स्पून मैं यहाँ मिर्ची पाउडर डाला, कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर है, सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि मिर्ची खसखस के साथ पिसा हुआ है। मिक्स कर देती हूँ। अब खसखस डाल देती हूँ। बोल में थोड़ा सा लगा हुआ था तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं उस पानी को भी डाल दिया। अब इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। खसखस सारे सब्जी के साथ मिक्स हो जाएगा और सब्जी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि ये सूखी सब्जी के अंदर आती है। ये बिल्कुल हो गया है, ड्राई हो गया है। अब गैस बंद कर देती हूँ और इसे साफ कर लेती हूँ। तो मेरा कुंदरू पोस्त बन के तैयार है। दाल चावल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप रोटी परोठा के साथ भी इसको खा सकते हो। आप भी बनाइए और अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर सपोर्टिंग मी। आगे भी बने रहिए, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।